Good morning. After a break, we again start paper BSc Part 2, Physics First, Unit First. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है थर्मोडायनेमिक्स की. पहली है एंथैल्पी और दूसरी है गिब्स फ्री एनर्जी. एंथैल्पी क्या होती है इसका छोटा सा डेफिनेशन देखते हैं. दैट इज़ एच, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है जिसको सिंबल्स लिखते हैं अपन, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी. यू होती है आंतरिक ऊर्जा, पी होती है निकाय का दाब, वी होता है इसका आयतन. इसको हम कहते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ पी इज कॉन्स्टेंट. अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत दाब वाले निकाय के लिए संतुलन प्रतिबंध. दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर ए सिस्टम एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर इन कॉन्टैक्ट विथ हिज हीट रिजॉल्वर, दैट इज द एंथैल्पी. सबसे पहले देखें कि ऊष्मा भंडार क्या होता है. कि माना कि एक निकाय ए ऊष्मा भंडार ए डैश के संपर्क में है. वो ऊष्मा भंडार इस प्रकार का निकाय होता है जिसमें ताप और दाब हमेशा नियत रहते हैं, चाहे हम इसमें कुछ एनर्जी ले लें या इससे कुछ एनर्जी निकाल दें. जैसे हमने किया है संपर्क में एक फिगर बनाया है कि उसमें हमारा निकाय जो है वो ए डैश है जिसको हम ऊष्मा भंडार कह रहे हैं, और दूसरा निकाय ए जिसको हम एनालिसिस कर रहे हैं, वितरण करने जा रहे हैं. उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है और वह दूसरे के साथ में ए व ए डैश के साथ में उसमें संपर्क में है. ए डैश जिसको हम ऊष्मा भंडार कह रहे हैं इसका ताप टी डैश, दाब टी डैश. निकाय ए जिसको हम वर्णन करने जा रहे हैं, जिसका हम एंथैल्पी निकालेंगे, उसका ताप है टी, इसका दाब है पी. यह निकाय इस तरह दाब पी ऊष्मा भंडार से क्यों ऊष्मा अवशोषित करता है. मान लो कि हमारा जो निकाय है ए वह ए डैश से क्यों ऊष्मा अवशोषित करता है. तो निकाय का बाह्य प्राचाल यदि वी है, एक्सटर्नल पैरामीटर यदि वी है, और यदि ऊष्मा अवशोषण के लिए निकाय ए के आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी है तो गैस द्वारा किया गया कार्य पी डी वी होगा. ताप इसका टी है तो हम देखते हैं आगे, तथा ए की माध्य आंतरिक ऊर्जा डेल्टा ई है. तो प्रथम नियम से ऊष्मा गति के जो प्रथम नियम है कुल ऊर्जा डी क्यू दैट इज गिवन इक्वल टू डेल्टा ई बार चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन पी डी वी. डेल्टा वी भी लिख सकते हैं. यदि यहाँ पर पी नियत है तो डेल्टा पी इक्वल टू जीरो हो जाता है. तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू डेल ई बार प्लस पी डी वी प्लस पी डी पी. क्योंकि डी पी इक्वल टू जीरो है इसलिए हम जीरो जोड़ हुए घटा सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसको हम यदि कंबाइंड लिखना चाहें सो डी पी इक्वल टू डेल ऑफ द ई बार प्लस पी वी हो जाता है. हमने क्योंकि पी वी को हमने पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो एक बार आएगा पी डी वी, दूसरा आएगा वी डी पी. इसलिए हम इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म लिख सकते हैं, और यहाँ जो ब्रेकेट के अंदर है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी. सो डी क्यू इक्वल टू दैट इज हीट चेंज इज इक्वल टू एनर्जी चेंज इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू डेल्टा एच या डी एच लिख सकते हैं, वेयर एच इज कॉल्ड ई बार प्लस पी वी. इसको हम एंथैल्पी कहते हैं. सो इसकी परिभाषा जो आएगी वह है नियत दाब पर एच में परिवर्तन निकाय को दी गई ऊष्मा के बराबर होता है. इस फॉर्मूले के डी क्यू इक्वल टू डेल्टा एच, हमने प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा, दिस इज द इम्पॉर्टेंट कंडीशन. इसलिए एच को पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी कहते हैं. पूर्ण ऊष्मा का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें है कि किया गया कार्य से रिलेटेड जो ऊर्जा आती है वो वाली भी और आंतरिक ऊर्जा भी, इसलिए इसको पूर्ण ऊर्जा कंप्लीट एनर्जी टोटल एनर्जी भी कह सकते हैं. फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस उद्दोषण प्रसार के लिए हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू जीरो. क्योंकि वहाँ पे उद्दोषण प्रसार के लिए इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता, मीन्स डी क्यू टू जीरो एंड दैट इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी. इसको हम डी ई प्लस पी डी वी भी लिख सकते हैं. सो डी ई या डी यू इक्वल टू माइनस पी डी वी हो जाता है. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन हो जाता है. सो चेंज इन एंथैल्पी यदि हम देखें इस कंडीशन के लिए सो क्या लिखेंगे, उपरोक्त फॉर्मूले से एच इक्वल टू लिखते हैं अपन ई बार प्लस पी वी. सो इसको डिफरेंशियल करें, डेल एच इक्वल टू डेल ई बार प्लस पी डेल वी प्लस पी डेल पी. और जो उपरोक्त हमने निकाली है
एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वो आई हमारी डी ई इक्वल टू माइनस पी डी वी, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो फॉर्मूला मिलता है हमें वो मिलता है डेल्टा एच इक्वल टू वी डी पी ओनली। अतः एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जहाँ पर यदि पी को भी हमने कांस्टेंट मान लिया सो डेल्टा एच इक्वल टू जीरो आता है, क्योंकि हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा निकाय है उसके लिए हम मानते हैं कि दाब नियत है, सो डी पी इक्वल टू जीरो, सो डेल्टा एच इक्वल टू जीरो, सो द एंथैल्पी चेंज विल बी दैट इज इक्वल टू जीरो। सो रुद्धोष्म प्रसार के लिए यदि दाब का मान नियत है सो एंट्रोपी में सॉरी एंथैल्पी में परिवर्तन जीरो हो जाता है, सो चेंज इन द एंथैल्पी इज जीरो फॉर दिस केस। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी। हमने ये देखा कि दो निकाय है हमारे, दो पार्ट है इसके, ए व एडेस। एडेस को हम ऊष्मा भंडार कहते हैं, ए हमारा निकाय है। यदि इन दोनों को मिलाते हैं तो संयुक्त निकाय बनता है हमारा ए स्टार इक्वल टू ए प्लस ए बार। तो इसकी एंट्रोपी आएगी एस स्टार इक्वल टू एस प्लस एस डेस। सो चेंज इन एंट्रोपी डेल एस स्टार इक्वल टू डेल एस प्लस डेल एस डेस। यदि ऊष्मा भंडार एडेस से दिए गए निकाय ए को टी डेस ताप पर क्यों ऊष्मा दी जाती है, सो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द हीट रिजर्वर, ऊष्मा भंडार के लिए जो एंट्रोपी में परिवर्तन आता है डेल एस डेस इक्वल टू माइनस क्यू बाई टी डेस। क्यू को हमने लिखा था डेल्टा एच, सो दिस इज डेल एस डेस इक्वल टू माइनस डेल एच बाई द टी डेस हो जाता है। हमने जो लिखा फॉर्मूला वो वापस एक तरफ में लिख के बता रहे हैं हम, Q इक्वल टू डी यू बार प्लस पी डी वी, डी इक्वल टू यू प्लस पी वी और यू प्लस पी वी को डेल एच लिखते हैं। सो डेल एस स्टार इक्वल टू डेल एस और दैट इज माइनस डेल एच बाय द टी डेस। सो डेल एस डेस की जगह हम डेल एच बाय द टी डेस लिख सकते हैं। इसको रीअरेंज करें डेल एस स्टार इक्वल टू टी डेस डेल एस माइनस डेल्टा एच बाय द टी डेस। इसको रीअरेंज कर लिया जाए सो मिलता है माई माइनस डेल इक्वल टू एच माइनस टी एस एस, यदि टी डेस नियत हो तो। सो क्योंकि वो तो ऊष्मा भंडार है उसका ताप वैसे नियत होता है। सो विलगित निकाय के लिए आइसोलेटेड सिस्टम के लिए दोनों को मिला के साम्य अवस्था में एंथैल्पी का अधिकतम होती है, एस स्टार मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसके लिए डेल एस स्टार विल बी ग्रेटर देन जीरो। एक और दो को यदि मिला देते हैं कंबाइन करके देखें तो माइनस ऑफ डेल ऑफ द एच माइनस टी एस एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको हम चिन्ह चेंज कर दें, माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, सो डेल ऑफ द एच माइनस टी डी एस इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो क्या कंक्लूजन निकलता है, नियत दाब व ताप पर ऊष्मा भंडार के संपर्क में दिए गए निकाय के लिए संतुलन की अवस्था में अधिकतम एंट्रोपी के लिए, क्योंकि संतुलन में अधिकतम एंट्रोपी होती है, निकाय की एंथैल्पी एच का मान न्यूनतम होना चाहिए, इट मस्ट बी मिनिमम। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स फॉर दिस एंथैल्पी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी एंड दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। कि जब एक ऊष्मा भंडार के संपर्क में हमारा निकाय रख देते हैं तो जो ऊर्जा जो आती है, अब हम वर्णन करने जा रहे हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा का फिगर। वैसा ही कि हमारा ऊष्मा भंडार एडेस, निकाय हमारा ए, ऊष्मा भंडार का ताप व दाब टी डेस पी डेस, इसका हमारा टी व पी डे। एक पिस्टन लगा रखा हमने ए में, तो देखें वही पुरानी कहानी, संयुक्त निकाय ए स्टार इक्वल टू ए प्लस एडेस, संयुक्त निकाय का आयतन यदि नियत है वी स्टार इक्वल टू वी प्लस वी डेस, इफ द डी वी स्टार इक्वल टू जीरो सो वी कैन कंक्लूड डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी डेस। कि दोनों के आयतन में परिवर्तन, यदि एक में वृद्धि होती है तो दूसरे में कमी होती है, क्योंकि कुल आयतन का मान नियत होता है। माना कि ऊष्मा भंडार ताप टी डेस पर क्यू डेस ऊष्मा अवशोषित करता है तो ए डेस की एंट्रोपी में परिवर्तन डेल एस डेस इक्वल टू क्यू डेस बाय द टी डेस। इसमें और पहले वाले में देखिए, पहले में क्यू डेस ऊष्मा उत्सर्जित करता था इसलिए माइनस क्यू डेस लिखा था। इस बार यह हमारा निकाय, ये जो हमारा ऊष्मा भंडार है वह उससे ऊर्जा अवशोषित करता है, इसलिए हमने लिखा डेल एस डेस इक्वल टू क्यू डेस बाय द टी डेस।
बाय द फर्स्ट लॉ वी कैन राइट क्यू डैश इक्वल टू डेल ई डैश बार माइनस डब्ल्यू एस। यहाँ ऐसा माइनस क्यों लिखा, इसका कारण देखिए, यहाँ एडेस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा ई डैश बार है तथा इस पर किया गया कार्य है डब्ल्यू डैश है, इसके द्वारा किया गया कार्य होता तो प्लस डब्ल्यू डैश आता। ऊष्मा भंडार का दाब यदि पी डैश है तो इसके विरुद्ध जो आयतन में परिवर्तन यदि इस ऊष्मा भंडार का डेल्टा वी डैश है तो हम लिख सकते हैं ए डैश पर किया गया कार्य, हम लिखते हैं जानते हैं किया गया कार्य होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, सो यहाँ पे आएगा डब्ल्यू डैश इक्वल टू माइनस पी डैश बी वी डैश। नेक्स्ट कुल ऊर्जा नियत होती है ए स्टार इक्वल टू द ई प्लस ई डैश दैट इज कॉन्स्टेंट, सो डेल्टा ई डैश इक्वल स्टार इक्वल टू जीरो, सो डेल्टा ई इक्वल टू माइनस डेल्टा ई डैश। यानी हम दोनों को आपस में आयतन और ऊर्जा को एक निकाय से दूसरे निकाय में यदि परिवर्तन करते हैं ए से ए डैश में करते हैं तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। सो उन सब को यदि कंबाइन करके देखें उपरोक्त क्वेश्चन को, सो जो उष्मा अवशोषित की गई उष्मा भंडार ने क्यू डैश इक्वल टू माइनस डेल ई बार प्लस पी डैश डी वी डैश, और यदि हम डी वी डैश को डी वी की टर्म में लिखें तो ये मिलता है क्यू डैश इक्वल टू माइनस डी ई माइनस पी डैश डी वी। सो चेंज इन एंट्रोपी यदि चाहिए हमारा उष्मा भंडार के लिए, सो डेल्टा एस डैश इक्वल टू क्यू डैश बाय द टी डैश, और क्यू डैश की दी गई उपरोक्त इक्वेशन लिखें तो मिलता है माइनस ऑफ डेल ई बार प्लस पी डैश टी वी बाय द टी डैश। संयुक्त निकाय के एंट्रोपी चेक करें, डेल्टा एस स्टार इक्वल टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस डैश चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द एस एंड एस डैश, सो डेल्टा एस माइनस डेल्टा ई बार प्लस पी डैश डी वी बाय द टी डैश। स्वतः प्रक्रम के लिए एस डैश स्टार का मान अधिकतम होना चाहिए, वैसे भी एंट्रोपी अधिकतम होती है समय अवस्था प्राप्त करने के लिए, सो डेल्टा एस स्टार इज ग्रेटर देन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अपरोक्त समीकरण में डाल दें इसको, सो डेल एस माइनस डेल ई बार प्लस पी डैश डी वी बाय द टी डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू द जीरो। रीअरेंज किया गया है, एलसीएम ले लें हम टी डैश, सो टी डैश डेल्टा एस माइनस डेल्टा ई बार माइनस पी डैश डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस डेल बाहर निकाल दें सो माइनस डेल ऑफ दी ई बार प्लस पी डैश वी माइनस टी डैश एस ब्रैकेट क्लोज बाय द टी डैश इज ग्रेटर देन जीरो। चूँकि उष्मा भंडार के लिए टी डैश व पी डैश नियत है इसलिए हमने इन दोनों का डिफरेंशियल जीरो माना है, सो डेल एस स्टार संयुक्त निकाय की जो एंट्रोपी है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ द डेल ऑफ द ई बार प्लस पी डैश वी माइनस टी डैश एस बाय द टी डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ जो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है वो भी ऊर्जा से रिलेटेड ही है, इसको हम सिंबल को लिखते हैं जी कैपिटल जी, सो डेल्टा एस स्टार इक्वल टू माइनस डेल जी बाय द टी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ जी है ई बार प्लस पी डैश वी माइनस टी डैश एस को गिब्स मुक्त ऊर्जा प्लांट कहते हैं। क्या क्या क्वांटिटी है देखिए, इसको बात इम्पॉर्टेंट है, इसमें तीन क्वांटिटी ई बार वी व एस ये है हमारे दिए गए निकाय के लिए, और टी डैश व पी डैश ये जो दो क्वांटिटी है ये है उष्मा भंडार के लिए, मीन्स इसमें दोनों कंबाइंड होती है और यह ऊर्जा से संबंधित है इसलिए इसको गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं, साइंटिस्ट थे गिब्स, उन्होंने ये किया था। सो इसके लिए यदि हम इसको फॉर्म लिखें तो माइनस डेल्टा जी इज बाय द टी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस को चिन्ह को बदल दें तो डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो क्या कंक्लूजन निकलता है वह ये है कि जब एक निकाय को स्थिर दाब पी डैश एवं नियत दाब टी डैश वाले उष्मा भंडार के उसमें संपर्क में लिखाया जाता है तो निकाय की समय अवस्था के लिए आवश्यक है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान न्यूनतम होना चाहिए।